Hello guys, this is the lecture number 19 of HTML in C++. In this video, we will see an ordered set. Okay, so let's start. So, an ordered set contain unique values. जैसे कि आप सेट में यूनिक वैल्यू कंटेन करते थे, इसी तरह आप अनऑर्डर सेट में भी यूनिक वैल्यू कंटेन कर सकते हो. ओके, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेट बिकॉज ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो सेट का है वो आपका रेड ब्लैक ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी बेसिक ऑपरेशन है, जस्ट लाइक इंसर्ट, सर्च एंड डिलीट, वो आपके लॉग इन में परफॉर्म होते हैं. ओके, बट जो अनऑर्डर सेट का इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनल, उसकी वजह से इसके बेसिक ऑपरेशंस आप बिग ओ ऑफ वन में परफॉर्म कर सकते हो. ओके, अब वो बिग ओ ऑफ वन होगा कैसे, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग हैशिंग, जिसको हम लोग हैश टेबल भी बोलते हैं. अनऑर्डर सेट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल. ओके, सो दैट इट्स बेसिक ऑपरेशन टेक बिग ओ ऑफ वन टाइम. सो नाउ सिंटेक्स इसका जैसे सारे कंटेनर्स के लिए आप यूज करते आ रहे हो सिंटेक्स, सेम वैसा ही सिंटेक्स इसका भी है. ओके, अनऑर्डर सेट, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम. अब ये हैशिंग परफॉर्म कैसे होती है, मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप अनऑर्डर सेट पढ़ रहे हो तो आपको हैशिंग पहले से आती होगी. ओके, हैशिंग आपका सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग इंसर्ट, सर्च और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि इसमें बिग ऑफ वन में हो जाता है. अब वो बिग ऑफ वन में होता किसकी वजह से, एक स्पेशल फंक्शन जिसको हम लोग हैश फंक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल हैश फंक्शन लिख के दिखाता हूँ कि ये हैश फंक्शन वर्क कैसे करता है. सपोज आपके पास 10 साइज की एरे है. ओके, सो हम लोग के पास जो हैश फंक्शन आएगा, जो इसमें मैंने एक्स लिखा हुआ, जस्ट लाइक यहाँ पर हैश लिखा है और यहाँ पर एक्स लिखा है, तो ये एक्स आपकी वैल्यू है और ये रिटर्न करेगा आपको इंटीजर. ओके, सपोज मुझे 34 इंसर्ट करना है, सो 34 आपका एक्स में आएगा और आपको सिंपल रिटर्न कर देना है यहाँ पर x modulus 10. ओके, सो यहाँ पर जो मैंने हैश फंक्शन लिखा है ये बहुत ही बेसिक लिखा है, इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा हुआ है मैंने. सो सपोज मुझे 34 स्टोर करना था, 34 x में आया, यहाँ से मैंने पास किया तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, 4. तो इसने 4 रिटर्न किया होगा, मीन्स अब मैं 4 पर 34 को स्टोर कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया 34. ओके, देन 10 आया, 10 इसमें गया और यहाँ से मुझे इंडेक्स मिला 0, तो मैंने 10 को स्टोर कर दिया 0 पर. 11 आया, 11 मैंने स्टोर कर दिया 1 पर, क्योंकि यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा. सो यहाँ पर अब आया 24, 24 का अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ यहाँ पर आएगा क्या, 4, 4 इसने रिटर्न किया. अब मैंने देखा 4 पे ऑलरेडी 34 वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं 34 पे वैल्यू ना डालकर उसके जस्ट आगे वैल्यू डाल दूंगा. ओके, 24. सो यहाँ पर आपका कोलिजन हो गया. कोलिजन कैसे हुआ कि आपने 24 को स्टोर करना था 4 इंडेक्स पर 4 इंडेक्स पर पहले से ही कोई वैल्यू पड़ी हुई थी. सो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि मैं नेक्स्ट स्पेस पर 24 स्टोर कर दूंगा. ओके, नाउ अब मेरे पास 22 आएगा, तो 22 यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, 2, तो मैंने 22 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑपरेशन आपका बिग ओ ऑफ वन टाइम लेगा, इसलिए इसके जितने भी ऑपरेशन है, सर्च, इंसर्ट और डिलीट, सब में बिग ओ ऑफ वन लगता है. सो यहाँ पर आपने देखा कि कोलिजन भी हो रहा था, कोलिजन हैंडल करने में भी कुछ टाइम लगता है. सो देयर आर लॉट ऑफ कोलिजन हैंडलिंग मेथड, तो दिस इज वन ऑफ देम. इसका एक प्रॉपर नाम होता है, मैं यहाँ पर आपको पूरा हैशिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में पढ़ाऊंगा. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे बिग ओ ऑफ वन में चीजें परफॉर्म हो रही है, बट यहाँ पर जो मेन एम हमारा है वो है अनऑर्डर सेट को यूज करना. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल ऑन अनऑर्डर सेट. यहाँ पर मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा हुआ है. सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन यूजिंग नेम स्पेस. ओके, और ये 2 लाइंस मैंने इसलिए लिखी है कि मैं फाइल से इनपुट लूंगा और फाइल पर ही आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा. ओके, सो इनपुट फाइल मेरी ये है जिसमें मैं 5 इनपुट दे रहा हूँ, देन मैं 5 एलिमेंट इनपुट दे रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पर मैंने n इनपुट लिया जो कि 5 है यहाँ पर. आफ्टर दैट एरे क्रिएट की 5 साइज की, एंड सिंपल फॉर लूप एरे में एलिमेंट इनपुट लेने के लिए. आफ्टर दैट मैंने अनऑर्डर सेट डिक्लेयर किया, एंड फिर मैंने लूप लगाया एंड सारे एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कर दिया. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट को प्रिंट किया हुआ है फॉर लूप की मदद से. ऐसा लूप हम लोग ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में देख चुके हैं, दिस इज अ फॉर ईच लूप. आफ्टर दैट लाइन चेंज, देन फाइंड फंक्शन. जैसे आप फाइंड फंक्शन सबके साथ यूज कर रहे हो वैसे इसके साथ भी यूज करोगे. ओके, अगर इसको कोई वैल्यू मिलती है तो ये उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये एस ऑफ एंड का एड्रेस रिटर्न कर देगा. तो 10 इसमें मेरा है इसलिए ये एस ऑफ एंड रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लगाया है एंड ये फाउंड प्रिंट कर देगा. सो अगर मैं 23 के लिए फाइंड करता हूँ तो 23 मेरा अनऑर्डर सेट में नहीं है, इसलिए ये एस ऑफ एंड का एड्रेस रिटर्न करेगा.
और यहाँ पर नॉट फाउंड प्रिंट होगा। आपको कोई भी एलिमेंट इरेज करना है तो जस्ट यूज द इरेज फंक्शन। फाइंड, इरेज, एंड, ये सारे फंक्शन आप सारे कंटेनर्स के साथ यूज कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट फिर से मैंने सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, आप आउटपुट देख सकते हो इस फाइल में, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। एंड यू हैव टू नोटिस वन मोर थिंग हियर, सेट में आप कुछ भी इंसर्ट करते थे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता था, बट यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज अनऑर्डर्ड सेट। सो मैंने इनपुट पहले 34 किया था, 34 आ रहा है, बट सेकेंड मैंने इनपुट किया था 10, बट आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 24। ओके, सो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। अगेन इफ कंडीशन चली है फाउंड, आफ्टर दैट नॉट फाउंड, देन मैंने इरेज किया था 12। ओके, 12 तो यहाँ था ही नहीं, तो मैं 10 इरेज करके देख लेता हूँ कि 10 को अगर मैं इरेज करता हूँ तो इरेज हो रहा है कि नहीं। सो नाउ यू कैन सी हियर 10 इरेज हो गया। ओके, सो इरेज फंक्शन ऐसे यूज होगा। सो दिस इज द सिंपल अनऑर्डर्ड सेट, आप इसका यूज कर सकते हो जब आपको हैशिंग यूज करनी होगी। ओके, सो देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू आंसर इट। इफ यू कैन इंसर्ट डिलीट सर्च ऑपरेशन इन बिग ऑफ वन टाइम यूजिंग अनऑर्डर्ड सेट, सो व्हाई वी हैव सेट, मतलब सेट क्यों है मेरे पास जब मैं अनऑर्डर सेट में सब कुछ बिग ऑफ वन में कर सकता हूँ। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सो देयर आर टू रीजन, फर्स्ट रीजन इज ऑर्डर्ड, मीन्स अगर आप सेट यूज करते हो तो आपका ऑर्डर मेंटेन होता है, मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर होता है, वो आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, बट अनऑर्डर सेट में कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, अभी आपने आउटपुट में भी देखा। ओके, एंड सेकेंड रीजन इज आप अनऑर्डर सेट में सब कुछ नहीं इंसर्ट कर सकते। मैं अनऑर्डर सेट का सिंटेक्स लिखता हूँ, एंड यहाँ पर आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करना होता है। ओके, सो आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते हो। ओके, एंड आप कोई भी पेयर भी नहीं यूज कर सकते। सो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड अनदर बिल्ट इन डेटा टाइप। ओके, दिस शुड बी अनऑर्डर्ड, सो यहाँ पर आप केवल बिल्ट इन और स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव अ सेट। अगर आपको पेयर को एज अ की यूज करना है टोटल, तो आप सेट यूज करोगे, अनऑर्डर सेट नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रखा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।